रांची स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी कार्यालय में वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के माध्यम से बीते मंगलवार को हुए विपक्षी भाजपा के झारखंड सचिवालय घेराव कार्यक्रम के बारे में तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से घेराव कार्यक्रम का एकत्रीकरण स्थल पर राजधानी रांची का प्रसिद्ध बाजार शालीमार बाजार लगता है, ठीक वही समीप स्थित प्रभात तारा मैदान में कल भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजनीतिक हाट लगाया गया। दोनों में समानता थी पर दोनों का चरित्र अलग अलग रहा। इस राजनीतिक हाट में सांप्रदायिकता की झलक दिख रही थी और जुलूस में जो नारे लगाए जा रहे थे, पत्थर चला के मौन रहना, कल कौन सा नारा लगा था आप लोगों ने सुना था ना, अब तो राजनीति भी हमको लगता है कि ईश्वर और भगवान के भरोसे चलेगा, जनमुद्दे नहीं रहेंगे। हमने कहा था कि शालीमार से ज्यादा की भीड़ वहां नहीं जुटेगी जो साबित हुई। हमने तो कहा था कि गोड्डा से जो सीटिंग कैपेसिटी है 2000 समथिंग का, शायद उतना लोग आएंगे, लेकिन उसका भी एक चौथाई आया 500 के लगभग। और कल के जुटान से आज दुगना जुटान सतरंजी में जो हाट है वहां लगा हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन हाट हटिया के बराबर का रह गया, बाजार और टोला के बराबर। स्पष्ट तौर पर लोकतंत्र को समाप्त करने के नारे थे। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल जी मरांडी, प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और सांसद दीपक प्रकाश जी, भाजपा के अनेकों अनेक सांसद, चुने हुए विधानसभा के प्रतिनिधि, सबका वहां पर एकजुटता था। लेकिन उसमें एक व्यक्ति ऐसा था जो कल सीधा लोकतंत्र को प्रहार किया, संवैधानिक संस्था को बौना बनाने का काम किया, वो थे गोड्डा के सांसद। वो सीधा सीधी धमकी देने का काम किया, या यो कहिए कि इस देश के जो लोकतांत्रिक ढांचा है, जो संवैधानिक ढांचा है, उसको चुनौती देने का काम किया। उन्होंने मंच से इस बात को कहा कि आगामी 13 अप्रैल मतलब कल के दिन लोकपाल का मामला है और हेमंत सोरेन के संपूर्ण परिवार को उस दिन हम जेल में डालेंगे। गौरतलब है कि घेराव कार्यक्रम में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि सरकार इससे डरी हुई है, साथ ही उन्होंने सोरेन परिवार को जेल भेजने की भी बात कही थी। रांची से आशुतोष सिन्हा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।